मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों की जीएफ है? नहीं। घर बैठे बैठे तो गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी तुमको। तुम्हें गर्ल को इम्प्रेस करना है तो सेम ही चीज अप्लाई करनी है। किस्मत तो इन लोगों की बढ़िया है, पास में लड़की भी मिल गए। और लड़की का रिएक्शन तो देखो। अरे वाह, पैसे वाला बंदा लगता है, इसको तो नंबर देना बनता है। Excuse me. वाओ, क्यों ना फ्री हो तो हम शाम में कॉफी पे चले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो मेरा नंबर। अबे ये क्या है, ये तो चिट्ठी है। आसानी से नंबर कैसे दे दिया, अभी जा रहा हूँ। अगर तुम कहीं पे जा रहे हो और तुमको किडनैपर मिल जाए तो तुमको सेम चीज अप्लाई करनी है। यहाँ आसपास कोई दवाई की दुकान है, वो किस साइड पड़ेगी? जब ये अंधी है तो यहाँ पे आई कैसे? चलो आई तो ठीक है, पर इसे कैसे पता है कि सामने की तरफ ही खड़े हैं? मैं आपसे रास्ता पूछ रही हूँ, आप मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। एक काम कर, यहाँ से सीधे जाके लेफ्ट होकर राइट हो जाइयो, तेरी दुकान आ जाएगी। वे गरीबों के किडनैपर अंधे को लेफ्ट राइट जाने के लिए बोल रहा है, कैसे जाएगी वो? मैंने बोला ना यहाँ से सीधे जाके लेफ्ट होकर राइट हो जाइयो, तेरी दुकान आ जाएगी। सर मैं तो ये सोच रहा हूँ किडनैपर इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है, तेरे सामने पथरी दे रही है और तुझको पता भी नहीं है। ध्यान से देखोगे तो इसकी आंखों में भी पथरी लगी भी नहीं है और ये पहले ही रिएक्ट करने लग गया है। आज मैं तुम्हें बहन भाई का टूट बंधन दिखाने वाला हूँ। मैं उनसे पूछ कर आती हूँ, ठीक है? सुनो, आपने इसे देखा है? ये तो बच्चा है। अबे ये कोई खिलौना थोड़ी है, तुमने इसे खो कैसे दिया? अभी तो आंखें भी नहीं खुली है बेचारे की। बंदा फोटो, तुम कैसे ढूंढोगे इसे? मैं नहीं जानता इसे। मेरा भाई भी ना उल्टे हाथ से खाता था। उल्टे हाथ से कैसे खा रहा था? दीदी आप उदास क्यों हो रहे हो? क्योंकि मुझे मेरे भाई की बहुत याद आ रही है। दीदी आपको पता है मेरी दीदी भी सेम बचपन में ऐसे हकलाती थी। अबे ये कैसे हो सकता है? गाइस यार अगर तो यार आज मैं तुमको एक रुला देने वाली स्टोरी दिखाने वाला हूँ। Excuse me, I love you. Sorry. क्या कमी है मुझमें? क्या बदतमीजी है? तुम बहुत घमंड है ना तुझे तेरी शक्ल पर। उस दिन सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब तुझे क्या? सबके सामने गाइस यार मुझे तो कोई नहीं दिखा, तुमको कोई दिख रहा है का? जरा आगे की बकचोदी देखते हैं क्या है। देख, यार कहाँ थी तुम इतने दिनों से, कितना ढूंढा तुम्हें, बताओ ना यार। इसलिए नहीं मिल रही थी यार। वीडियो एडिट करने वाले से सिर्फ एक ही बात पूछो, तुझे लग कहाँ से रहा है कि इसमें एसिड डाला हुआ है? देखकर तो लगता है टट्टी लगी हुई है। बात तो सही है। आप एक काम जरूर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।